वाटर बॉडी भी फिट होगी। जैसा कि आपको बताया था, खोल दो एक दो नीचे तीन ये, उसके बाद फिर ये दो दोनों सब कुछ सिलिकॉन लगा के उसको फिट किया। उसके बाद ये अपना जो है पम्प, अपना पेट्रोल पम्प जो है वो भी फिट हो गया। ठीक है जी, अब बाकी की इसकी फिटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिल्टर वाली साइड की और कारपेटर वाली साइड की फिटिंग करके आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। जी ये लग गया है हवा हमारा इनटेक भी। ऐसा हो गया, आपको पता है इसके छः काबिल, ये दो तीन चार पाँच छः सात हैं बल्कि, ये उधर भी हैं तीन। ये जी कार्बोरेटर भी फिट हो गया। की फिटिंग है गाड़ी के अंदर, हेड साफ हो गया बिल्कुल। ये 10 काबिल है अंदर, ठीक है जी, फिट करते हैं फिर इंशाल्लाह दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखें जी, ये हेड फिट हो रहा है जी। ये देखें, जैसा कि आपको बताया पहले कि इसके 10 काबिल, कार्बोरेटर भी फिट हो गया। अब ये टाइमिंग बेल्ट का रह गया, ये भी इंशाल्लाह करेंगे। ये देखें, हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई है। गैसकेट भी न्यू डाल दी, जी दोस्तों ये देख सकते हैं आप, टाइमिंग बेल्ट भी न्यू डाल दी। निशान पर निशान, पुलिया साफ हो गई, ग्रीस हो गई। ये ऊपर वाला निशान टाइमिंग का, ठीक है जी। बाकी की फिटिंग करेंगे इसके इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको दिखाते हैं।
गाड़ी जो है वो बिल्कुल सेट हो गई है गैसकेट डालने के बाद, स्टार्टिंग वगैरह भी ठीक हो गई है। इस तरह से जो है ना वो कुछ नज़र आ रही है बाद में, आप कहते हैं तो आप स्टार्ट करके भी दिखा देते। ये देखें जी, ये बिल्कुल सेट हो गई है, आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। ये देखें जी, ये देखें जी दोबारा फिर से, बिल्कुल कॉन्स्टेंट खड़ी है जी। ठीक है जी, ओके।